देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 10 अक्टूबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले हैं। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 24 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 17 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 182 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 776 नए मामले आए, 755 रिकवरी हुई है, 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7634 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोविड 19 मामले, 33 रिकवरी और 0 मौतें दर्ज की गई, सक्रिय मामले 231 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 9 नए कोरोना के मामले, 7 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 281 हैं। नंबर पांच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 190 नए मामले आए हैं, 245 रिकवरी हुई है, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 4288 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 273 नए मामले आए हैं, 345 रिकवरी हुई है, कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का कुल आंकड़ा 2690 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना मामले के 451 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1455 लोग ठीक हुए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामले 10395 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 17 नए कोरोना के मामले, 8 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 173 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1344 नए मामले आए हैं, 1457 रिकवरी हुई है, 14 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 16252 है। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 84 नए कोरोना के मामले, 1 मौत और 92 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 637 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 60 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने हैं और कोरोना से 74 लोग ठीक हुए हैं, 1 मौत हुई है, सक्रिय मामले 733 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 629 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 797 लोग डिस्चार्ज जो है, 8 लोगों की मृत्यु हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8314 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 4 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 35 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9470 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 12881 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 101 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 113132 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 1 मौत और 11 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 107 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 20 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 9 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 112 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 138 नए मामले सामने आए हैं, 166 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोरोना के 3 मौत हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1371 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 147 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 114 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 1716 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 4 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 1 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 36 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 526 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 597 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 4438 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 19 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 136 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2486 नए मामले सामने आए हैं, 2446 रिकवरी हुई है और 44 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 33006 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9 नए मामले सामने आए हैं, 13 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 149 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, 52 ठीक हुए हैं, कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 377 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 120 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 285 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु हुई दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 215 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 82 नए कोरोना के मामले आए हैं, 81 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1100 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 182 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 1223 है। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 950 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1256 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 14700 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।